अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ गाइस, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपको। इसमें बेसिक फोर्थ या थर्ड क्लास में जो एलसीएम का कंसेप्ट है वो आपको वहाँ पैक जाना होगा, तो रिकॉल करना होगा कि हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इसमें पी की वैल्यू दे रखी है हमारी 18a² b4, एंड क्यू दे रखा है हमारा 20a³ b² ठीक है। अब इन दोनों का हमें, पी और क्यू का हमें एलसीएम फाइंड करना है ठीक है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे एलसीएम? इट्स वेरी इजी। तो आपको करना क्या है, तो पी जो है हमारा 18a² b4 को आपको प्राइम फैक्टराइज करना होगा, तो यानी कि 2 2 जा सॉरी 2 3 जा 6 6 3 जा 9 18 और एक्सपेंड करना है बेसिकली आपको। तो कितने दो है? 2a है और b कितने हैं? 4b है ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे और उसको इस तरीके से लिखेंगे एक्सपेंड करके। एंड ऐसे ही अब मैं q को लिखूँगा, तो जो 20a³ b² है इसको हम क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई ए क्यूब है, तो यानी कि कितने, 3a है और b कितने हैं, 2b है। अब क्या करेंगे हम इसमें, मैचिंग करेंगे तो यहाँ पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग कैसे कैसे करेंगे, यहाँ हमारे दो आप देख सकते हैं दोनों में दो दो है, तो जो कॉमन निकलता है उसे आप एक बार लिखेंगे एलसीएम में ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ एलसीएम, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखेंगे। और कुछ हो रहा है कॉमन? और क्या कॉमन आ रहा है? तो आप देखेंगे 2a कॉमन है इसमें ठीक है, एंड 2b कॉमन, कितने 2b कॉमन होंगे। तो जो कॉमन है उसे आपको एक एक बार लिखना है, जैसे कि यहाँ 2a है तो सिर्फ a लिखना होगा, इसमें एक एक लिखना होगा, इसको एक मानना होगा आपको ठीक है। और बचे हुए जो भी है उनको एग्जैक्टली आपको लिख देना है, जैसे कि कितने बच गए, 3 2 बच गए, तो 3 2 को आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है ऐसे ही। और यहाँ कितना बच गया हमारा, 2b बच गए हैं, तो 2b को आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। नीचे हमारा 2 5 जो 10 बच गया है, और मल्टीप्लाई यहाँ कितना बच गया हमारा, 1a बचा है सिर्फ ठीक है। अब आपको सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा देखो, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 10 जा 180 ठीक है। अब ए कितने, 1 2 कितने, एक दो और एक ही ए रह गए, यहाँ मैंने ए नहीं लिखा है, ये रह गया ना ए। हाँ तो तो ये ए और लिख लेते हैं हम यहाँ से, तो कितने हैं, 3 a³ हो गया, और b कितने हैं, 1 2 3 4 b4 हो गया। तो टोटल कितने हो गया हमारा, 180 a³ b4, और जो आंसर है हमारा d है इसका करेक्ट आंसर ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन।